ये नया डैडी कौन है? डैडी सनी देओल का भाई टीप दिख रहा है, पीछे बिच्छू भी है। डीएफओ का बड़ा लड़का है वितेश। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में, और आज हमारे साथ खास हैं मिजान खान जी, जो कि बहुत अच्छे एक फिल्म आई है चमन बहार, उसमें एज एन एक्टर काम कर चुके हैं, और इनका अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप पसंद भी कर रहे होंगे इनके कैरेक्टर को। और जो मूवी है वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप बिल्कुल जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं बिल्कुल जाके देखिए, और छत्तीसगढ़ को बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जो है वो छत्तीसगढ़ में काम किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं मिजान खान जी से कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। सो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो मुझे बुलाया। यहाँ पर ये पंजाबी कॉलोनी है जी, वहाँ पर हम लोग उस दिन वृंदावन हॉल में हम लोग अपनी स्क्रीन करवाए थे, मतलब फिल्म शॉर्ट फिल्म बनाए थे जी, तो स्क्रीनिंग करवाए थे और उसी दिन पंजाबी कॉलोनी में ऑडिशन हो रहे थे। कास्टिंग डायरेक्टर थे त्रिशन जी जी। अब पहले दिन मतलब मैं दो दिन गया, पहले दिन मुझे बुलाया तो ऑडिशन लिए, डायलॉग्स दिए, हुआ क्लियर। उसके बाद मुझे लास्ट तक बिठा के रखे थे, बिठाए। उसके बाद अगले दिन मुझे कॉल आया, मैं आया, बोला बुलाया, कुछ हुआ होगा, सेलेक्ट वलेक्ट हुआ करके गए अपन। उससे डायरेक्ट पूछे ना, मिजान सिगरेट पीते हो? बोला नहीं सर। तो अरे तुम्हारे को इसमें सिगरेट पीनी थी? तो बोला हाँ हाँ हाँ, वो दोस्त लोग मोहब्बत से बढ़ा देते तो अपना आन दो, सब आन दो। तो उन्होंने फिर मंगाई सिगरेट और दिए, अब सिगरेट फिर पीना चालू। तो ये सिगरेट जो थी वो फर्स्ट टाइम पिए थे या पहले भी पी चुके थे? पहले पी चुका हूँ पर पीता नहीं हूँ। आदत नहीं थी, मतलब ऐसे ही हल्का फुल्का दोस्त यार। हाँ जी, पिए है पर पीते नहीं है। अच्छा, फिर सिगरेट पिए वहाँ पर, मतलब उसमें रिकॉर्डिंग हुई, फिर डायरेक्टर को भेजे सर। हाँ, फिर कम से कम हफ्ता भर बाद हो गया, सेलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद वहाँ पर आभास जी आए जो चमन बहार के एडी है, तो होटल वीआईपी रोड में होटल शीतल, तो उन्होंने बुलाया, पूरे कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले बताया गया मुझे, ऐसा है ये कैरेक्टर, मतलब रईस, एक तरह से रईस बाप की बिगड़ी औलाद है, वो किसी की नहीं, अपने ठसन में किसी को सुनना उनना कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई लोचा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, चुपचाप ऐसा ही वाला है। तो अच्छे से समझाया आभास जी, मतलब बहुत अच्छे से समझाए, और आभास जी कहे थे कि एक जैसे एक तरह समझ लो कि कोई इंजीनियर है या कोई है, मतलब एक बहका अपने माइंड में, किसी को कोई मतलब नहीं, मतलब दुनिया जान से कोई मतलब नहीं। ये पहली मूवी के पहले भी ये थिएटर वगैरह काफ़ी आपने किया हुआ है, काफ़ी मैंने एक्चुअली इनको बहुत देखा हुआ है, हमारा कभी साथ में थिएटर करना नहीं हो पाया है, मिले बहुत है लेकिन थिएटर में एक दूसरे को सहारा बहुत है। थिएटर तो पहले से ही बहुत अच्छे थे, और अब मूवी के बाद तो इनका जो काम और ज़्यादा सराहा जा रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मैं मूवी का एक्चुअली वो फर्स्ट डे जानना चाहूँगा कि एक जो मूवी, जैसे थिएटर और मूवी में बहुत डिफरेंस है, दोनों बहुत अलग है। सो आपका पहला अनुभव कैसा था जब कि आप पहले सेट पे गए, और पहला दिन जब सेट पे देखा तो डिफरेंट सब कुछ कैसा था वो? सबसे पहला दिन जो था, एक तरह से वो 6 बजे बुलाया गया था मुझे नया रायपुर में, लोकेशन था, अब गूगल मैप लोकेशन भेज दिया व्हाट्सअप से। अब कभी कभी गूगल मैप में क्या होता है, मतलब एरो इधर दिखा रहा है, वहाँ पहुँचो तो इधर पहुँच जाता है, अक्सर होता ही है। अब नया रायपुर में था, अब नया नया थे हम भी, नए हैं तो ज़्यादा फ़ोन करना अच्छा भी नहीं लग रहा था, मैं बोला वहाँ पहुँचता हूँ नया रायपुर उसके बाद फ़ोन करूँगा करके। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे हो गया था लेट, 6 बजे टाइमिंग था, अब मेरे आँख से आंसू निकलना चालू, मैं सच में रो रहा था क्योंकि पहला दिन, वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, अब मैं, मेरे आँख से आंसू टपकना चालू। और किस्मत से एक बंदा वहाँ पर सुबह सुबह ही ना, मतलब सुबह से ही भटक रहा था, मैं मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे पता भी नहीं था कि हमारे साथ के बंदे भी वहाँ पर है, ये भी नहीं पता था। मैं पूछा भाई यहाँ पर कहीं शूटिंग हो रही है क्या? तो बोलता है कि भाई वहाँ पर है, और वो एक साइकिल में था। तो मैं बोला भाई दिखा दोगे क्या करके? तो कहता है मैं नहीं जाऊँगा भाई करके। मैं बोला भाई दिखा दे ले जा करके। तो मैं बोला साइकिल यहाँ छोड़, मुझे लोकेशन दिखा, वापस मैं तेरे को यहाँ छोड़ दूंगा। तो वो बंदे ने मुझे लोकेशन दिखाया, मतलब मैं ब्रिज के ऊपर था, वो ब्रिज के नीचे ही था। अच्छा, लोकेशन उसका, लोकेशन तो उसको दिखाया, वापस उसको वहाँ छोड़ा, शुक्रिया भाई ये तो मेरा।
वहाँ जैसे पहुँचा तो जल्दी जल्दी में फिर वहाँ पर मतलब समय एकदम मैं बता देखते ही साथ मृणाल थे, मतलब जितने हमारे आर्टिस्ट आकाश सब लोग थे, बोला इतने सारे लोग और पूरा जो होता है ना पूरा सेट वेट लगा है, लाइट्स वगैरह लगी है और पहली मूवी कोई इतना एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, सब नए हैं अपन, मैं देखते साथ मैं बोला क्या करूँ करके, तो तुरंत आए कॉस्ट्यूम डिजाइनर जितने सब थे, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम दिए सब, ये नाश्ता वास्ता कराए सबसे पहले, तो फिर आराम से थोड़ा सा रिहर्सल हुई, फिर तो चालू चालू हुई फिर चालू। फिल्म में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मुंबई से आए थे, जैसे कि हमारे जितेन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर चुके हैं, 2017 में तो उनकी मूवीज़ फिर धीरे धीरे आना चालू हुई, सो हालांकि उस टाइम से वो फेमस थे बट अभी तो और ज़्यादा वो फेमस हो गए, उनकी मूवी भी आ गई, सो उनके साथ कैसा आपका काम करने का क्या अनुभव रहा? अब पहली बार जब कोई बंदा शूट में जाता है तो नया बंदा ये सोचेगा ना कि हीरो कौन है, राइट हीरो कौन है, तो अब जीतू भाई थोड़ा दूर में थे तो मैंने किसी एडी से ही पूछा था, बोले कि ये है करके, मैं बोला अच्छा मैं पहचानता नहीं था, बल्कि मैंने उनको पहले यूट्यूब में देख चुका है, देखा मतलब उनका वो देखा था मुन्ना जज्बाती और भी है, हाँ हाँ वो सब देखा हूँ मैं, तो अब मुझे पता ही नहीं था, तो मैं धीरे धीरे फिर उनसे हल्की फुल्की बात, दिल के बड़े साफ, कोई वैसा कुछ नहीं ना, बड़े गजब कोई वैसा नहीं है यार, मतलब होते ना जो, तो ऑफ द सेट आप लोगों की ट्यूनिंग वगैरह काफी अच्छी थी, अच्छी थी। जब मुंबई भी गए तो वहाँ भी मिले वो, तो मतलब ऐसा नहीं कि जैसे छोटा आर्टिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं यार, बकायदा जाते टाइम गले भी लगाए, अरे और क्या चाहिए यार, अरे तो बहुत मतलब जब इतना इज्जत मिलती है बहुत बहुत भाई। जो डायरेक्टर जी हैं पूर्व जी, वो भी छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, इतनी खूबसूरत मूवी बनाई है, बहुत प्यारी, सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी ऐसी मूवीज बनती रहे ताकि छत्तीसगढ़ का थोड़ा और नाम ऐसा रोशन हो, सो अभी का जो स्थिति है उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ की मूवी नहीं देखते, ये बात तो ठीक है, और ये चमन बहार आई है नेटफ्लिक्स में, ये तो सब जगह चली है, मतलब YouTube में ट्रेलर ट्रेंडिंग नंबर वन, बिल्कुल नेटफ्लिक्स में नंबर वन है, IMDb में भी नंबर वन है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि 30% यहाँ के लोग देखे ही नहीं है, और पहली बात तो नेटफ्लिक्स में आई तो भाई पासवर्ड दे ये भाई डाउनलोड मतलब कहाँ से होगा, ये होगा वो लॉग इन, यार इतना तो बनता है यार करना यार, और छत्तीसगढ़ की मूवी तो, और छत्तीसगढ़ की पहली बात यहाँ के लोग मूवी देखते नहीं है और बनती भी है वैसी, और यहाँ के लोग कोशिश भी करते हैं, तो आगे मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ का हो गया है। अच्छा एक चीज़ मैं एकदम पूछना चाहूँगा जो मुझे भी मतलब ऐसा लगता है कि यार कभी ना कभी वो चीज़ मिले करके, जो आपको मिल चुकी है, जैसे मूवी आने के पहले तक हम नेटफ्लिक्स देखते थे, अमेजोन प्राइम देखते थे, आप कई बहुत सारी मूवीज देखते थे, अब अपने आप को देखना उसी प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो फीलिंग क्या है? ये मूवी रिलीज हुई 19 जून, हाँ, और दो दिन पहले मेरा बर्थडे था 17 जून को, मतलब 17 जून को जितना मुझे विशेष आई उतनी नहीं आई है जितनी मुझे रिलीज होने के बाद इतना मतलब इतना प्यार, मतलब चमन बहार के जरिए मेरी जिंदगी में बाहर आ गया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी हमने, मतलब होता है यार इतना मैं सोचे नहीं, मतलब इतने बड़े बड़े लोग यार, जैसे मैं सोचा था कि लोग मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे कि नहीं, मतलब मैंने सबको मैसेज किया, आपके साथ काम करके मुझे बड़ा मतलब यादगार पल हो गया यार मेरे लिए वो, सब ने बकायदा रिप्लाई भी किया, मतलब सब ने मेरे लिए यादगार हो गया यार वो। नहीं, वो मतलब काफ़ी अच्छा काम। अभी फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं आप, कैसे आगे फिर वो करना है अपने को, और मूवीज देख रहे हैं? अभी एक मूवी किया मैंने, अभी उसका नाम तो आया नहीं है, उसमें रणवीर शौरी जी है, अरे वाह, भगवान तिवारी जी भी है, अरे क्या उसमें है जैसे उसमें मेरा कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जो मिला, नहीं मैं तो ये सोचता हूँ कि जो मिला वो हमारी किस्मत है, हमारा हक नहीं है, हाँ, धीरे धीरे शुरुआत होती है, क्योंकि तो जो हक नहीं है मतलब किस्मत है तो किस्मत आन दो, सही जो है सब आन दो, सब कराते रहो, ये बहुत अच्छी चीज बोली कि जो भी चीज है वो छोटी चीज वो हमारी किस्मत है तो उसे आन दो, जब हक आएगा तो अपन हक ले लेंगे, फिर किस्मत बनी तो अपन एक हक बना भी सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा।
तो अगर आप लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी हो चमन बार, तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स पे जाके देखिए। और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एक्टर जो है वो कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो इंस्पायरिंग जितने एक्टर्स हैं उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे, लाइक नए जितने एक्टर्स आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, कोई टिप्स वगैरह दे दो उन लोगों को यार काफ़ी। अरे सबसे पहले मेरे को इतने सारे लोग मैसेज किए कि भाई मुझे मूवी में जाना है, क्या करूँ, मुझे हीरो बनना है। मतलब क्या बताओ यार, मतलब कम से कम एक एक्टिंग फील्ड में जा रहे हो तो एक बुनियादी तौर पर मजबूत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम महान हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने भी कम तकरीबन 8 साल से थिएटर कर रहा हूँ, अभी भी चल रहा है बहुत, अभी भी लॉकडाउन में भी मैं रिहर्सल ही कर रहा हूँ। अरे वाह, घर पे बैठ, घर पे भी नहीं, घर पे भी नहीं, मैं मतलब फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना घर में बैठे बैठे अकेला, मैं मतलब आज़ाद पंछी घूमने फिरने वाला हूँ, अब घर में बैठे बैठे, और एक तरह से ना डेली रूटीन था कि हर दिन रिहर्सल करना है। मैं ना डेली मतलब 2 से 3 जगह जाता था, सुबह राज मतलब योग मिश्रा जी के यहाँ, राजकमल जी के यहाँ, सुभाष मिश्रा जी के यहाँ, तो मतलब एक अचानक से टूटा ना। और उस समय मैं अंबिकापुर में ही था शूटिंग के, मतलब ये कोरोना लगा उस समय शूट में था, तो रातों रात आए हम रायपुर, उसके बाद तो शुरुआत शुरुआत में भारी लगा, उसके बाद तो बस गया सब चीज़, लेकिन रिहर्सल हो नहीं रही है। तो मैंने योग दादा को मैसेज किया, सर मुझे नहीं रह पा रहा हूँ रिहर्सल के बगैर, अजीब लग रहा है, मतलब दिल ही नहीं लग रहा किसी चीज़ के लिए। और उस समय क्या होता था, सीरियसली बता रहा हूँ, जैसे मेरे साथ आए इरफान, तो इनका है मार्केट में है बिजनेस अच्छा, तो इनके मार्केट में उस समय साइंस कॉलेज में दुकान लग रही थी सुबह सुबह, तो मैंने कहा कि इसी बहाने में वाला आता हूँ तेरे साथ बैठता हूँ, बाहर निकलने मिलेगा करने, तो उसी बहाने में बाहर निकलता था। अब मेरे को दिमाग लगा कि यार मैं रिहर्सल भी कर सकता हूँ इसमें, तो मैंने इससे कैरेट लिया, नींबू का काम है, नींबू का कैरेट मैं सामने रखता था, और योगदादा को मैसेज किया, योगदादा को कोई पता नहीं है कि मैं सामने कैरेट रखा और रिहर्सल में चले जाता था 9 बजे से मतलब 11 बजे तक, टाइमिंग बदल गया था। अरे अब डर भी था कोरोना हो ना जाए कुछ यार, तो वैसे ही चला यार हर दिन, मतलब क्या बताओ भाई, नहीं नहीं अच्छा जज्बा होता है यार, सब हो जाता है, जुनून और जज्बा होता है तो फिर आदमी अचीव कर लेता है। और एक एक बात बताना चाहूंगा, बिल्कुल, जैसे मैंने ना इसमें सिगरेट पिए, हाँ, अब घर का रिएक्शन बताना चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। रात के आई 12 बजे मूवी, सबसे पहले मैं खुद देखा ना, मैं आपको घर का रिएक्शन बताना चाहता हूँ, ठीक है, 12 बजे आई पिक्चर, सबसे पहले मैं खुद देखा, उसके बाद घर में बताओ कि नहीं बताओ, पता नहीं था ना किसी को कि मैंने सिगरेट पी है अभी तक, बोला किसी और के जरिए पता चले जाके खुद बता दो, खुद बता दो। तो अब बैजनाथ पारा, रात में सब जगते ही है वहाँ, हाँ, वो तो पापा आए रात में, मैं मूवी देखा, बोला पापा ये मूवी अभी आई है नेटफ्लिक्स में, देखो करके, इसमें मैंने सिगरेट पिया है वो। किसी और मतलब ऐसा उस नजरिए से नहीं देखना, मतलब आपका कैरेक्टर सोमू है करके, वैसे घर का नाम भी मेरा सोमू ही है, तो वो आप कैरेक्टर की नज़र से देखना। फिर रात में फिर देखे, रात भर मूवी हुई, कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोले ना, कल रात के न्यूज़ में आ रहा था, तो न्यूज़ में उसमें क्लिप ट्रेलर चल ही रहा था, सब चल रहा है ना, और अपूर सर सब लोग का इंटरव्यू भी दिखा रहा था, तो सब खाना खा रहे ना देख रहे, कल ही रात की बात है, तो अपूर सर देखे, मतलब अपूर सर ने कहा, मतलब न्यूज़ में पूछा कि आपके छत्तीसगढ़ के कोई आर्टिस्ट कितने सारे काम के, तो मेरा नाम लिए, और पापा खाना खा रहे थे, तब पापा की मुंडी हिली, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब कुछ नहीं बोले, मतलब हाँ अच्छा करा, बेकार किया, ऐसा कुछ नहीं बोले, लेकिन बढ़िया डायरेक्टर ने नाम लिया, वो बड़ी कमाई है, और कुछ तो, नहीं है, वही टीवी पे जब पापा देखे, पापा देखो तो बहुत ही ये गर्व की बात होती है। और शुरुआत में तो सब पूछ रहे थे कि इतनी सिगरेट पिया, ये है वो है, तो कई लोग को तो ऐसा बोलना पड़ा, रहे वो VFX है, वो ऐसा कि कितनी सिगरेट पिए वैसे रिहर्सल और मेन मिला के, तकरीबन ना शॉट मिला के है शतक पा रहे। अरे बाप, जैसे होता था ना, जैसे इतनी बड़ी सिगरेट है, जैसे शुरुआत में एक कट में इतनी है, फिर इतनी है, तो धीरे धीरे कट 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 वो होके वो हो गई थी यार 2-3 दिन में, मतलब मुंबई और यहाँ का जोड़ के ना, जोड़ के हुई थी, किसी को पता नहीं। तो कोई स्पेशल कोई ब्रांड की सिगरेट मंगा के रखते थे आपके लिए कि? अरे यार मैंने मतलब
ब्रांड की सिगरेट तो एकदम बेकार सिगरेट ना, जो बोलते हैं ना डोकरे लोग पीते हैं, नेवी कट। अच्छा नेवी कट, वो नेवी कट थी। उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये थोड़ी एकदम तो जो जो अभी ये मूवी पुराने टाइम की है थोड़े, ऐसा मूवी में दिखाए गए तो उस टाइम की जो सिगरेट मिलती थी ना ने, हाँ वो भी है मंगा के फ्लैग भी आती थी उस समय, सब आती थी उस समय। फिर फ्लैग आई, नेवी कट आई, तो सब चल ही रहा था, सब चल रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से, एंड मिलते रहेंगे अपन फिर से। आप ऐसे ही आगे बढ़ो, काम करो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल जाके मूवी देखिए यार, और पसंद कीजिए काम को, और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, और लोगों को बताइए कि छत्तीसगढ़ की कितनी सारे कलाकार इसमें हैं, उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और अभी तक मतलब बहुत लोग मूवी देखे नहीं है, और जो जो नहीं देखे नेटफ्लिक्स में जाइए और सर्च कीजिए, आपको सबसे पहले ही मिलेगी चमन बाग, और सब जगह शेयर भी कीजिए।